train coal robbery. देवगढ़ के गांव में देसाई कहकर एक किसान था। वो एक दिन जब खेत की जुताई कर रहा था तो उनको कुछ कोयले दिखाई दिए। इसके बारे में उनका दोस्त साइंटिस्ट नारायणा से कहा था। तब नारायणा खेत में आकर कोयला को देखकर नारायणा, अरे ओ देसाई, तुम्हारे नसीब बदल गया है रे, इसमें काला सोना निकला है। देखो, अगर तुम सरकार को एक कोयले के खन को दोगे तो तुमको इतना कहकर कमीशन देते हैं, नहीं मैं खुद खोद कर बेचूंगा कहे तो सरकार को टैक्स भरोगे तो हो जाएगा, क्या कहते हो? चाचा आप तो क्या कुछ भी कहते हो, अगर सरकार किसी को भी लीज पर लेते हैं या देते हैं तो कम ही देते हैं ना, उसके वजह से हमें कमीशन कम मिलता है। ऐसा नहीं हम खुद इनको निकाल कर एक्सपोर्ट करना है तो बहुत पैसा तो खर्चा होगा, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। इस कोयले को छोड़कर खाली खेती करने के लिए कोई उपाय है क्या? अब इधर खेती करना मुश्किल है, कोयले से निकले गर्मी के वजह से पौधे मर जाएंगे, तो तुम खुद इनको बेचने के लिए कुछ प्लान करो। इतने में मैं इसके बारे में सरकार में जाकर थोड़ा पूछताछ करता हूँ, कहकर चला गया। अगले दिन एक होटल में देसाई से उनका साला नीलकंठ, जीजू सारे जान पहचान वाले से पूछा, सब लोग उनके पास पैसे नहीं है कह रहे हैं, तो फिर सरकार को दे देंगे क्या, कह रहा था। तब उधर गब्बर कहकर एक चोर उनका अनुगामी साहू के साथ आया। उनको देखकर देसाई, अरे मुझे एक आइडिया आया है, मैं अभी जो कहता हूँ उसके बारे में कुछ पूछे बिना चुपचाप सुनते रहो। ठीक है जीजू, तुम्हारी मर्जी। अब गब्बर को सुनाई दिया जैसा देसाई, अरे वो नमूना, इधर बहुत सारे चोर लोग आते रहते हैं, धीरे बोलो, गलती से इस सोने के खन के बारे में उस गब्बर को पता चला तो वो और उसका बैच मिलकर रातों रात हमारे खेत को 10 फीट की गहराई तक खोदेंगे, मालूम है हमें सावधानी से रहना चाहिए। उसमें क्या है जीजा जी, आज ही मैं कूली से बात करता हूँ, कल से वे काम पर लग जाएंगे तो परसों तक धरती के अंदर पूरा सोना को बाहर निकाल देंगे, तब वो गब्बर कुछ नहीं कर सकता है। ये बात सुनकर गब्बर साहू से, अरे साहू आज रात हमारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे आदमियों को तैयार करो, उस देसाई की खेत में सोने की खन है, अब हमें शिकार करना ही चाहिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया गुड न्यूज है गुरु, अभी जाकर हमारे आदमियों को लेकर आता हूँ, कहकर चला गया। उस रात गब्बर और साहू उनके आदमियों के साथ जाकर उस खेत को खोद रहे थे। उनके खोदने पर जो कोयला निकल रहा था उसके वजह से वे सबके चेहरे काले बन गए। गुरु कितना भी खोदने से ये कोयला ही निकल रहा है, वो सोने की खन है कहकर तुमने सही सुना है ना, क्योंकि एक बार हम उस देसाई के घर में चोरी किए थे, उसके लिए वो देसाई कुछ रिवेंज के लिए प्लान तो नहीं किया है ना। क्या रे बच्चू, मुझे ही सवाल करते हो, अब पहले ये कोयला निकला तो जरूर सोना अंदर कहीं होगा, खोदो खोदो सब लोग और गहराई तक खोदो। तब सब लोग और गहराई तक खोदकर उस कोयले को निकाले। बाद में सुबह हो रहा था, तब साहू से गब्बर, अरे हमारे साथ धोखा हुआ लग रहा है, वो देसाई जानबूझकर हमें फंसाया लग रहा है, मेरा ताकत कम हो गया है, चलिए घर चलते हैं। अबे ओए एड़ा, ये बात तो मैं पहले से ही कह रहा था, लेकिन तुम कब सुने, सोना निकलता है और गहरा खोदो कहा था ना, अब देखो क्या हुआ, हमसे गधे जैसे काम करवाया कचरा का ही का, तुम्हें ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, अरे ओए सब मिलकर इसका धुलाई करो। तब सब चोर लोग मिलकर गब्बर को पकड़कर खूब पीटे और चले गए। अब गिरा हुआ गब्बर के पास आकर देसाई, गब्बर बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरा खेत में सोने का खन को खोद कर निकाला। अरे ओ दरिंदर, इधर सोने का खन कहाँ है रे, सब तो कोयला ही है ना। अरे कोयले को काला सोना कहता है कहकर तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं तो नाम बड़ा हो जाएगा कहकर काला सोना से काला निकाल दिया है सेंटिमेंट के लिए। अरे बाप रे देसाई, तुम साधारण आदमी नहीं हो, चोरों का चोर हो, हमारे साथ ही तुम्हारे खेत में कूली का काम करवाया है, अब तुम्हें खुशी हो रहा है ना, कहकर उधर से भाग गया। बाद में देसाई उस कोयले को ट्रेन में डालकर दूसरे देश को एक्सपोर्ट करके अच्छे से पैसे कमाया। गरीब सब्जी वाले की जीत वेटलिफ्टिंग।
शोलापुर में सुमन नाम की एक औरत रहती थी। वो सब्जी बेचकर अपने परिवार के साथ गुजारा करती थी। वो बहुत रहम दिल वाली थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी कि एक गरीब परिवार उसके पास आई। उनमें से एक, बहन हमें खाना खाएं, 4 दिन हो गए, पड़ोसी गांव से आए हैं, हम किसान हैं, वहां फसल नहीं हुआ, हमें अपनी जमीन बेचकर उस गांव को छोड़कर यहां आना पड़ा, हमें कोई काम नहीं देता, हमें कोई काम दे दो बहन। ये सुनकर सुमन का दिल पसीज गया। क्या तुम लोगों को खाना खाए हुए 4 दिन हो गए? बेचारे, पहले ये पैसे लो, जाकर कुछ खाना खाओ और फिर यहाँ आकर मुझसे मिलो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। कहकर सब्जी बेचकर जो पैसे मिले थे वो उन्हें थमा दिया। ये देखकर साथ वाले दुकान की प्रियंका, अरे सुमन ये क्या, उन्होंने अपने दुखड़ा सुनाया तो तुमने अपने सारे कमाई के पैसे उनके हाथ में थमा दिए? अरे ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, पैसे भी तुम्हारी सास झगड़ालू है, वो पैसों का हिसाब पूछेगी तो तुम क्या जवाब दोगे? आज तुम्हारी सास तुम्हारी खूब खबर लेने वाली है। अरे मेरी सास का क्या, वो हर रोज मुझे किसी न किसी बहाने डांटती रहती है, लेकिन आज उस डांट को भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये तसल्ली तो होगी ना, एक गरीब परिवार को मैंने खाना खिलाया, अरे उनके भूख के आगे मुझे मेरी सास की डांट कोई बड़ी बात नहीं लगती। कहकर घर की ओर जाने लगी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी सास दहलीज पर बैठी थी। क्यों सुमन, आज की कमाई कहाँ है, मुझे देना जरा। अभी थोड़ी देर पहले विक्रम सेठ कर्ज की वसूली के लिए आया था, मैंने उसे कहा कि मेरी बहू अभी आई नहीं है, जब वो आएगी तब दे दूंगी, कहकर उसे खूब फटकारा मैंने। अरे इन कमीनों से तो कर्ज लेना ही नहीं चाहिए, अरे जो मुँह आया बोल देते, वो पैसे देना जरा, उसके मुँह पर फेंकती हूँ। माँ जी वो ऐसा है कि आज एक गरीब परिवार 4 दिनों से भूखे आए थे मेरे पास, तो उनको भूखा देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सब्जी बेचकर जो पैसे मिले थे उनके हाथ में दे दी और कहा कि कुछ खा लो। अब विक्रम सेठ को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे, उसका कर्ज कल चुका देंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत गुस्से में, अरे ये तुम क्या कह रही हो, अरे जो मेहनत से सब्जी बेचकर दिन भर पैसे कमाए वो किसी अनजान व्यक्ति ने तुम्हारे सामने दुखड़ा क्या सुना दिया, उसके हाथ में थमा दिया? अरे ऐसा ही रहा तो एक दिन हमें भी भीख मांगना पड़ेगा। अरे कलमोहे तेरे वजह से हमारी बहुत बेइज्जती होती है, अब वो जो विक्रम सेठ है उसको मैंने इतना फटकारा, पता नहीं आकर कितना उछलेगा। अरे इस बीच में तुम बहुत रहम दिल वाली हो गई हो, मैं बुढ़ी हो चली हूँ इसलिए तुम्हें कहती हूँ दुकान चलाने के लिए, वरना मैं खुद ही संभाल लेती। अरे तुम पर भरोसा करके वो दुकान तुम्हें सौंपा ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, अब मुझे अक्ल आ गई है। कल से तुम्हें सब्जी वब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही पड़ी रहो और घर का ख्याल रखो। अरे वैसे भी तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता कलमुही, तुम जैसी को मैं अपना बहू बनाकर लाई, मुझे अच्छी नसीहत मिली है। कहकर डांटने लगी। अरे माँ जी आप इतना क्यों डांटते हैं, आपके पैसे मैं 2 दिन में लौटा दूंगी। अरे कैसे चुकाओगी, अरे तुम कोई पढ़ी लिखी टॉपर तो हो नहीं कि तुम यूं गए और लोगों ने तुम्हें नौकरी दे दी। अरे तुम जैसी से सब्जी खरीदना ही बड़ी बात है, वो तो संभाला नहीं जाता तुमसे और चली आई कहने कि मैं पैसे लौटा दूंगी। माँ जी मैं अच्छी पढ़ाई कर रही थी, अच्छा रिश्ता भी आया था, लेकिन पिताजी ने जबरदस्ती आपके घर में मुझे बहू बनाकर भेज दिया। मैं अपने कॉलेज की वेट लिफ्टिंग चैंपियन रही हूँ, बहुत जल्द वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, मैं वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी आपको। तभी विक्रम सेठ वहाँ पहुँचा। बस बस बहुत हो चुका सास बहू की लड़ाई, पहले मेरे ब्याज के पैसे दो, उसके बाद आराम से लड़ते रहना। अरे ब्याज के पैसे मेरी बहू ने दान दे दिया, कल भर देंगे बेटा, आज जाओ यहाँ से। अरे ये क्या कह रही हैं आप, पहले तो बहुत जली कटी सुना रही थी और अब पैसे मांगे तो कल परसों में टाल रहे हैं। चुपचाप मेरे ब्याज के पैसे देते हो या तुम्हारे बहू को खींच कर ले जाओ यहाँ से। सुमन को बहुत गुस्सा आया। क्यों रे कमीने, क्या कहता है, तुम मुझे खींच कर ले जाओगे, जरा हाथ तो लगा कर दिखाओ। कहकर उसे उठा कर हवा में घुमा कर दूर फेंका, वो दूर जा गिरा। वो देखकर सास एकदम चुप हो गई। उसके बाद वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सुमन ने भाग लिया और पहला इनाम जीता। आस पड़ोस के लोग सास के पास आए। माँ जी आपकी बहू वाकई वेटलिफ्टिंग चैंपियन है, उसने वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता जीत लिया है, उससे इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए भी मिले हैं।
अच्छा, अरे मैंने उसे खूब जली गट्टी सुनाई, मैं नहीं जानती थी वो इतनी प्रतिभाशाली है। यूं कही रही थी कि सुमन वहाँ पहुँची, उसने वो 3 लाख रुपए सास के हाथ में थमा दिए। माँ जी ये लीजिए 3 लाख रुपए, इन पैसों से आप विक्रम सेठ का कर्ज चुका दीजिए। कम से कम अब तो आप मुझ पर और मेरी प्रतिभा पर यकीन करो, अगर घर वालों का प्रोत्साहन हो तो औरतें कुछ भी सिद्ध कर सकती है। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई और उस दिन से सुमन के साथ बड़े प्यार के साथ रहने लगी।